हेलो गाइस, आज मैं अपना स्काउट एंड गाइड का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है या जो भी समझा है स्काउट एंड गाइड के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें पता नहीं होता कि एक्चुअल में होता क्या है, और जब ये प्रोग्राम होता है तो उससे पहले सर्च करते हैं लोग। तो इसलिए मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ ताकि आने वाले लोगों को, अगर किसी को भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो मिल जाए। तो सबसे पहले अगर हम स्काउट एंड गाइड की बात करते हैं तो ये है क्या? इसको BCG बोलते हैं, यानी कि द भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, जिसको हम स्काउटिंग या गाइडिंग के नाम से भी जानते हैं। ये नेशनल हेडक्वार्टर है BCG का, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से ये जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो डॉक्टर अनिल जैन हैं। और इसको अगर हम बोले फादर ऑफ स्काउटिंग एंड गाइडिंग, तो ये हैं आपके रॉबर्ट स्टीफन स्मिथ, लॉर्ड बैडन पावेल, जिसको हम लॉर्ड बैडन पावेल के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें मेनली सिखाई जाती हैं चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि किस तरीके से, अगर हम एक बीएड टीचर बनते जा रहे हैं तो हम किस तरीके से स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन सिखाते हैं, या कैसे हम उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट जो करवाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं अपनी पढ़ाई को। तो और अगर आप जैसे कहीं पर फंस गए हैं और कोई भी फैसिलिटी नहीं है, तो आप किस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे, जो भी आपके पास सोर्सेज अवेलेबल हैं उनका यूज़ करते हुए। तो यही सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो आप किस तरीके से, जैसे इस इमेज में दिख रहा होगा तो कि सिंपली दो डंडे हैं, उसमें चादर फंसा के अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आप उसको किस तरीके से ऑन द स्पॉट स्ट्रेचर बना के ले जाते हैं। तो मेनली छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमारे जीवन के लिए, हमारी लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होती हैं। ऑन द स्पॉट हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होता है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड डे, थर्ड, चार दिन आप लोगों को ये सारी प्रैक्टिस और प्लस कुछ थ्योरी भी नोट करवाई जाती है, जिसकी बाकायदा एक नोट्स बनती है पतली कॉपी में, और वो नोट्स आपके सबमिट भी होती है। तो नोट्स बनवाया जाता है, प्रैक्टिकल करवाया जाता है, और लास्ट डे आपकी कैंपिंग होती है। कैंपिंग में आपको एक कैंप लगाना होता है आपके पास रिसोर्सेज जो भी है उसका यूज़ करके, और प्लस जो भी खाना वगैरह बनाना होता है जिसमें आप अपना रिसोर्सेज का यूज़ करके बनाएंगे। जनरली इस स्काउट एंड गाइड में टोली डिसाइड की जाती है, यानी ग्रुप बनाया जाता है। तो हर एक ग्रुप का को अलग अलग टास्क असाइन किया जाता है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि हम किस तरीके से ग्रुप टास्क करते हैं और कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो स्काउट एंड गाइड में करवाई जाती हैं, जो हमारे रियल लाइफ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, कि अगर हमें ऐसी सिचुएशन हो जाती है हमारे साथ तो हम इसको किस तरीके से मैनेज करेंगे, या ग्रुप को कैसे मैनेज करेंगे, ग्रुप में कैसे वर्क किया जाता है। और प्लस छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चे पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, तो हमें उनको किस तरीके से एंटरटेन करना है, कैसे उनको मोटिवेट करना है पढ़ाई के लिए। और प्लस इसमें क्लैपिंग का भी काफ़ी रोल है, तो क्लैपिंग भी काफ़ी तरीके की बजवाई गई थी, जिसे स्काउट क्लैपिंग, वेलकम क्लैपिंग, धन्यवाद क्लैपिंग। कोई गेस्ट आपके यहाँ आता है तो आप उसको किस तरीके से वेलकम करेंगे, कैसे धन्यवाद करते हैं। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हो सकता है ऐसे नेसेसरी नहीं लगती, बट हमारी लाइफ के लिए काफ़ी नेसेसरी है, और हमारे आने वाली प्रोफेशनल लाइफ के लिए काफ़ी नेसेसरी है। अगर हम छोटे बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं तो वो थक जाते हैं पढ़ते पढ़ते, बोर हो जाते हैं, तो हमें उनको किस तरीके से मोटिवेट करना चाहिए। या रियल लाइफ में अगर हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे सामने कोई दुर्घटना हो जाती है, तो हमें उसको किस तरीके से फेस करना चाहिए, कैसे फर्स्ट एड बॉक्स का कैसे यूज़ करना चाहिए, और जो चिन्ह, बहुत सारे पहाड़ या बहुत से जंगल में अगर हम फंस जाते हैं, हमारी बाकी की टोली फंस जाती है, तो चिन्ह के थ्रू हमें कैसे पहचानना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें नोट भी करवाई गई थी और प्लस बताया भी गया था। तो नोट्स तो मैंने बता दिया कि वो सबमिट हो गई थी, और बाकी लास्ट में जो हमारे कॉलेज के बच्चे थे उनकी फ़ोटो भी ली गई।